ऑल दिस इज मी मीनाक्षी एंड आई एम बैक विद माय स्टोरी। और आज की मेरी स्टोरी का टाइटल है गुरुकुल। गुरुकुल था जहाँ पे गुरुजी के चार शिष्य थे। इस गुरुकुल का नियम था कि हर शिक्षा के बाद गुरुजी परीक्षा लेते थे और जो भी शिष्य उस परीक्षा में फेल हो जाते थे उन्हें वापस घर भेज देते थे। 100 शिष्यों से स्टार्ट हुआ ये गुरुकुल, आज सिर्फ 4 शिष्यों का गुरुकुल रह गया था। और आज ये चारों शिष्य घबराए हुए थे क्योंकि इनको पता था कि आज परीक्षा का दिन है और आज कोई ना कोई घर जाने वाला है, शायद चारों ही घर चले जाए। गुरुजी उनको परीक्षा के लिए पहाड़ी की चोटी तक लेकर गए। पहाड़ी से लटकती हुई एक रस्सी दिखाकर बोला, ये देखो ये रस्सी जो है ये मैंने लटकाई थी जब मेरे गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली थी। तुम्हें करना सिर्फ इतना है आज कि तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना है बिना किसी की मदद लिए, बिना कोई सहारा लिए, बिना कोई चीज़ों का जैसे रस्सी, चाकू, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किए हुए बिना तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना है। चोटी तक पहुंचकर जो भी तुम्हें पहला पेड़ दिखता है वहां से एक रस्सी बांध के तुम्हें लटकानी है, नीचे की तरफ फेंकनी, फिर तुम उस रस्सी का सहारा लेकर नीचे आ सकते हो। चारों शिष्य ने कोशिश चालू कर दी कि वो पहाड़ी पे कैसे चढ़ जाएं, लेकिन पहाड़ी की मिट्टी इतनी फिसलने वाली थी कि वो बार बार पहाड़ी के बीच तक आते और फिर फिसल के नीचे गिर जाते। ये 1-2 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि देखो मुझे तुम सब पे भरोसा है, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे खड़े रहने की ज़रूरत है, मैं आश्रम जा रहा हूँ आराम करने के लिए। आप जब पहुँच जाओ और आपकी जब परीक्षा संपूर्ण हो जाए आप मेरे पास आश्रम आ जाना, और अगर नहीं हो पाए, अगर थक जाओ तो आप घर चले जाना। चारों शिष्य कोशिश करते रहे करते रहे। कुछ 5-6 घंटे बाद जो पहले शिष्य थे उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे लगता है कि गुरुजी तो आश्रम जा चुके हैं। कोई तरीका नहीं है कि उन्हें पता चले कि मैंने उनकी रस्सी का इस्तेमाल करके पहाड़ी चढ़ी है, तो मैं तो गुरुजी की रस्सी का इस्तेमाल करके पहाड़ी चढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे घर नहीं जाना। बाकी 3 शिष्यों ने कहा कि गलत है, गुरुजी ने हम पे विश्वास किया है, उन्होंने हमें सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि हम किसी रस्सी या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो शिष्य ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है तो मैं तो जा रहा हूँ, आप देख लीजिए अपना। वो ये बोलते हुए रस्सी पकड़ के ऊपर चले गए। जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी तक पहुँचे वो बचे हुए 3 शिष्यों का मजाक उड़ाने लग गए, उनके ऊपर हंसने लग गए कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम कितनी आसानी से ऊपर आ सकते हो, लेकिन अब तुम्हें घर जाता हुआ देख मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलकर वो पहाड़ी के ऊपर चले गए। महेश जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने बचे हुए 2 शिष्यों को ये बोला कि मैं घर नहीं जाना चाहता, मुझे लगता है कि मुझे भी ये रस्सी लेकर ऊपर पहुंच जाना चाहिए। और ये बोलते हुए वो भी रस्सी लेकर ऊपर चले गए। महेश की देखा देख श्याम भी रस्सी लेकर ऊपर चले गए। रमन अभी तक डटे हुए थे, अभी तक कोशिश कर रहे थे उस पहाड़ पर चढ़ने की। उन्होंने ये सोचा कि शायद मुझे भी यही करना चाहिए जो बचे हुए 3 ने किया है, लेकिन पता नहीं गुरुजी का विश्वास तोड़ना सही होगा कि नहीं होगा। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, शायद पहुँच जाऊँ। अगर गुरुजी पहुँच चुके हैं पहाड़ी की चोटी तक तो मैं भी पहुँच जाऊँगा। ये सोचते हुए वो कोशिश करते रहे करते रहे। कुछ 10-15 घंटे बीत गए और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से वो पहाड़ी की चोटी तक पहुँचे। जैसे वो पहाड़ी की चोटी तक पहुँचे उन्होंने देखा कि उनके जो 3 दोस्त हैं वो एक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए, और उन्होंने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, पेड़ के ऊपर क्यों चढ़े हुए थे, घबराए हुए क्यों? तो उन्हें पता चला कि पेड़ के ठीक नीचे एक शेर बैठा हुआ है जो अपना मुंह खोल के इस इंतज़ार में है कि कब उन 3 में से कोई भी एक जना पेड़ से नीचे गिरे और उसे खा जाए। हालांकि रमन को इस बात से कोई खतरा नहीं था क्योंकि रमन जिस किनारे से चढ़े थे उस पेड़ में और उस किनारे में एक खाई का फासला था, तो शेर कुछ भी करके रमन की तरफ नहीं आ सकता था। रमन थोड़े से घबरा गए कि किस तरीके से मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकता हूँ। उन्होंने फटाफट पहले तो गुरुजी का कार्य पूरा किया, उनके पास में जो एक पेड़ था उससे रस्सी बांधकर पेड़ से नीचे उतर गए और गुरुजी को लेकर आए ताकि वो उन 3 की मदद कर सकें। जैसे तैसे गुरुजी ने और रमन ने मिलकर शेर को भगाया और 3 शिष्यों की मदद करी, पर 3 शिष्यों को घर जाना पड़ा क्योंकि गुरुजी को पता चल गया था कि 3 शिष्य छल से पहाड़ी की चोटी तक पहुँचे। हम सबके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार हम कुछ मुश्किल काम करने जाते हैं और हमें दिखते हैं हमारे आसपास के लोग जिन्होंने कुछ शॉर्टकट्स या कुछ गलत तरीके अपना के अपनी मंजिल पाई, और हम कई बार टेम्प्ट हो जाते हैं कि शायद उनका बताया हुआ रास्ता सही है और शायद हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी परिस्थितियों में रमन की तरह डटे रहें और जो सही है उस चीज़ का चुनाव करें तो शायद सफलता आते आते थोड़ा सा समय लग सकता है,
लेकिन जब सफलता आएगी तो वो पक्की सफलता होगी, आप निश्चिंत होगे कि वो सफलता आपकी है और आपसे उसे कोई वापस नहीं ले सकता। लेकिन जो लोग शॉर्टकट मार के अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर इस डर में रहते हैं कि कब उनकी पाई हुई सफलता उनसे वापस छिन जाए। बस मेहनत करते जाइए और ईश्वर में और खुद पे पूरा भरोसा रखिए, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं लगेगी। ऑल द बेस्ट।